वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषा, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि आदि होती है, तथा बुद्धि कैसे मापी जाती है, बुद्धिलब्धि आदि के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से जाकर अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। बुद्धि का सर्वमान्य अर्थ यह है कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। क्या है बुद्धि? व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग तथा अभिन्न अंग है, ठीक है। बुद्धि एक प्रकार की जन्मजात शक्ति है और व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं का योग है। बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा, किसी भी कार्य को सरलता के साथ प्रत्येक परिस्थिति में कर लेना बुद्धि का प्रतीक होता है। इस अर्थ में बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता या शक्ति है जिसके आधार पर वह अपने पर्यावरण के अनुकूल प्रतिक्रियाएं करता है। बुद्धि की किसी एक धारणा पर मनोवैज्ञानिक एकमत नहीं है। बुद्धि के विषय में सभी विद्वानों की अपनी अपनी धारणाएँ एवं मत हैं। तब बुद्धि के स्वरूप को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत बुद्धि की अनेक परिभाषाओं को समझना व उनका विश्लेषण करना आवश्यक होगा। मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि के चार प्रमुख तत्वों को स्वीकार किए गए हैं। ये जहाँ पे हो लिखा है वहाँ पे है रहेगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। वे हैं कौन कौन से, वो चार प्रमुख तत्व हैं। पहला है अतीत के अनुभवों का प्रयोग, दूसरा नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन, तीसरा परिस्थितियों को समझना और समस्त क्रियाओं को व्यापक दृष्टिकोण से देखना, ठीक है। इन चार तत्वों के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया है। बुद्धि की कुछ प्रमुख परिभाषाओं को अब देखते हैं हम। सबसे पहले तो इसे हम एक बार और समझते हैं कि किसी भी कार्य को हम सरलतापूर्वक किसी भी परिस्थिति में अपनी सूझबूझ से, अगर कोई भी हमारे सामने समस्या आती है, हम उसका समाधान करते हैं। किससे करते हैं? अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि के माध्यम से करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करके करते हैं। तो क्या कहलाता है? सामने वाला कहता है ये व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान है। तो कैसे पता चला वो व्यक्ति बुद्धिमान है? क्योंकि किसी भी कार्य को सरलता के साथ प्रत्येक परिस्थिति में कर लेना ही बुद्धि का प्रतीक होता है। हम पहले लाइन में इसे हमने समझा था, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ परिभाषाएं जिससे और अधिक स्पष्ट हो जाएगा हमारा बुद्धि। सबसे पहला जो परिभाषा है विलियम स्टर्न के अनुसार है। इनका और मैकडूगल का परिभाषा आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। विलियम स्टर्न का तो एकदम ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। बुद्धि शब्द मनुष्य की उस योग्यता का सूचक है जिसके द्वारा वह किसी नवीन परिस्थिति में पढ़कर अपनी समस्याओं को हल करता है। जैसा कि अभी मैंने आगे समझाया था कि बुद्धि शब्द मनुष्य की उसी योग्यता का सूचक होता है जिसके द्वारा किसी भी नवीन परिस्थिति में या समस्या में पढ़कर व्यक्ति क्या करता है, अपनी समस्याओं का हल करता है या निराकरण करता है। ये किसने कहा? विलियम स्टर्न ने कहा है। मैकडूगल ने कहा है, मैकडूगल के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा अतीत के अनुभव के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति में सुधार किया जाता है। ये परिभाषा भी हमारा मैकडूगल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, नोट करके कहीं लिख लेंगे, ये दोनों परिभाषाएं, ठीक है। अगला हमारा बर्ट के अनुसार। बर्ट ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है सापेक्षतया नवीन परिस्थितियों के साथ साथ समायोजन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। यानी कि कोई भी नवीन परिस्थितियां आपके सामने आती हैं उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना या समायोजन करना या वातावरण के अनुकूलन उसके होना या उसको अनुकूलित अपने करना, यही क्या कहलाती है? उसी की क्षमता बुद्धि कहलाती है। किसी भी परिस्थिति के साथ आप समायोजित करते हैं, उसको अपने साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, वही क्षमता हमारी बुद्धि कहलाती है। टर्मेन के अनुसार, ये टर्मेन नहीं टर्मेन है, टर्मेन के अनुसार बुद्धि अमूर्त रूप से सोचने की शक्ति है। अब ये जो टर्मेन का परिभाषा है, आप स्टर्न और मैकडूगल की परिभाषा के साथ इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा में लिखेंगे। ये MIMP परिभाषा है टर्मेन का। इन्होंने कहा है बुद्धि अमूर्त रूप से सोचने की क्या है? शक्ति है। किसने कहा है? टर्मेन ने कहा। इसे आप एकदम ही याद रखेंगे, एकदम माइंड में फिट कर लेंगे इसको। वेल्स के अनुसार, वेल्स ने कहा है बुद्धि वह शक्ति है जो हमारे व्यवहार के अंकों को इस प्रकार फिर से संगठित करती है कि नवीन परिस्थितियों में हम अच्छी प्रकार से काम कर सके। ये किसने कहा? ये वेल्स ने कहा है। बीनेट के अनुसार, बीनेट ने कहा है बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं उचित निर्णय, ठीक से समझना और ठीक से तर्क करना। यानी कि बीनेट के अनुसार बुद्धि क्या है? उसकी आवश्यक क्रियाएं हैं कि आप किसी भी चीज़ का उचित निर्णय लेते हैं, ठीक से उसको समझते हैं किसी भी चीज़ को, या ठीक से उसमें तर्क वितर्क करते हैं, वही बीनेट के अनुसार बुद्धि है। स्पीयरमैन ने कहा है, स्पीयरमैन के अनुसार संबंधित चिंतन ही बुद्धि है। इनका बहुत ही शॉर्ट परिभाषा है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। थंडाइक के अनुसार, थंडाइक ने क्या कहा है? वास्तविक तथ्य के अनुरूप उपयुक्त प्रतिक्रिया की शक्ति ही बुद्धि है। ये किसने कहा? ये थंडाइक ने कहा है, ओके। अब देखते हैं वेस्लर के अनुसार, वेस्लर ने क्या कहा है? बुद्धि व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने और अपने वातावरण के अनुसार अभियोजन करने की समस्या का सार्वभौमिक क्षमता है। ये किसने कहा? ये वेस्लर ने कहा है। जैसा कि हमने
अभी आगे जस्ट समझा कि बुद्धि क्या है, किसी भी वातावरण में या किसी परिस्थिति में वातावरण के अनुकूलन हो जाना या उसको अनुकूलित अपने करना या सामंजस्य स्थापित करना, उसमें समायोजन करना, ये क्या है, बुद्धि है। किसी ने कहा, ये वेस्लर ने कहा है, लेकिन इन सभी परिभाषाओं में आप टर्मेन का, मुख्यतः टर्मेन का और ईस्टर्न का और उसके बाद मैकडूगल का, तीनों का एकदम रट लेंगे या याद कर लेंगे, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में। ओके, आगे देखते हैं, उपरोक्त सभी परिभाषाएं एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी सभी में अंतर्निहित बात एक ही है, या कहें कि सभी परिभाषाओं की आत्मा एक ही है। संक्षेप में, बुद्धि को उस मानसिक योग्यता के स्वरूप में स्वीकार किया जा सकता है जो कई प्रकार की क्रियाओं को दिखाई देती हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि हमने जो अभी आगे समझा, सभी का अर्थ अगर हम ध्यान से देखें तो बुद्धि क्या है, एक ही अर्थ निकल कर सामने आता है, किंतु इसका प्रदर्शन उच्चतर मानसिक प्रक्रियाओं में अपेक्षाकृत अधिक ही तथा निरंतर मानसिक क्रियाओं में कम होता है। यह उस अवस्था में अधिक क्रियाशील होती है जिसमें किसी न किसी प्रकार की नवीनता या अनूठापन होता है। इसका प्रयोग समस्या के समाधान में अधिक होता है और इसका संबंध बाहरी संस्कारों को ग्रहण करने में इतना नहीं होता जितना कि विषय वस्तु के विश्लेषण करने में होता है। यह एक मानसिक क्षमता है, जैसा कि अभी मैंने आगे बताया था कि बुद्धि क्या है, एक मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर ही हम अपने सारे कार्य, जो भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ की क्रियाकलापों में आती है, वो सारे कार्य हम किसके द्वारा करते हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा ही करते हैं। यह एक प्रकार की क्या है, मानसिक क्षमता है। ओके, आगे देखते हैं, जिसके द्वारा हम कठिन, गहन, सूक्ष्म, मौलिक, सोद्देश्य, सामाजिक उपयोगिता से संबंधित क्रियाओं को समझ सकते हैं और उनका संपादन विभिन्न परिस्थितियों में कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार को समझते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से बुद्धि के तीन प्रकार का उल्लेख किया है। पहला कौन सा है, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में देखते हैं, इस बुद्धि का संबंध किसी व्यक्ति की उस योग्यता से है जिससे कि उसमें समाज के साथ अनुकूलन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। इस बुद्धि का प्रयोग आमतौर से सामाजिक तथा व्यक्तिगत कार्यों में किया जाता है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। इस प्रकार के जो बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक कार्यों को करने में अधिक रुचि लेते हैं तथा मानव एक सामाजिक प्राणी। हम सभी को पता है, समाज वाला जब टॉपिक हमने पढ़ा था तभी हमने ये सारी बातें डिस्कस की थी, मानव क्या एक सामाजिक प्राणी है और समाज के साथ समायोजन करना उसकी एक अभूतपूर्व विशेषता है। जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि तीव्र होती है वह सामाजिक परिस्थितियों के साथ सरलता व शीघ्रता से समायोजन कर पाते हैं। ये कहीं कहीं पर है को हो लिख दिया है, उसे आप थोड़ा सा सही कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति आमतौर से कूटनीतिज्ञ, व्यवसायी तथा सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। सामाजिक बुद्धि के अभाव में व्यक्ति सामाजिक कार्यों में सफल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। यानी कि सामाजिक टाइप का अगर आपका बुद्धि नहीं है तो आप सामाजिक कार्यों में सफल व्यक्ति नहीं हो पाता है। अगर उस टाइप का आपका उस क्षेत्र में जाने का मन है और उस टाइप का आपकी बुद्धि है तब आप उसमें सफलता हासिल करते हैं। संक्षेप में, सामाजिक बुद्धि का संबंध समाज के साथ समायोजन करने की क्रियाओं से है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा मूर्त बुद्धि, इसके बाद हम समझेंगे तीसरा हमारा अमूर्त बुद्धि, ठीक है। पहले मूर्त बुद्धि जानते हैं क्या होता है। मूर्त बुद्धि को गत्यात्मक या यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे, इसे गत्यात्मक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की बुद्धि का इस्तेमाल उन कार्यों के लिए विशेष तौर पर किया जाता है जिन कार्यों में कोई उद्देश्य निहित होता है। जिन व्यक्तियों में इस प्रकार की बुद्धि होती है वे और मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं, ठीक है। जैसे इंजीनियर टाइप के हो गए, मूर्त वस्तुओं से संबंधित समस्याओं का समाधान मूर्त बुद्धि का परिणाम है। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति जटिल यांत्रिक समस्याओं का समाधान सरलता से कर लेते हैं। इस प्रकार के बुद्धि वाले लोग अधिकतर इंजीनियर, अच्छे कारीगर, मैकेनिक आदि बनते हैं, ठीक है। मूर्त बुद्धि वाले लोग लगभग क्या होते हैं, जैसे ऊपर सामाजिक बुद्धि हमने समझा था, सामाजिक कार्यकर्ता, कुशल नेता आदि बनते हैं, वैसे मूर्त बुद्धि वाले अधिकतर इंजीनियर, अच्छे कारीगर, मैकेनिक वगैरह, जो पेंटर वगैरह होते हैं, ये सब मूर्त बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अमूर्त बुद्धि क्या होता है, अमूर्त बुद्धि को समझते हैं, उसके बाद बुद्धिलब्धि को समझेंगे। अमूर्त बुद्धि का कार्य सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा अमूर्त विषयों का गंभीरता से अध्ययन कर उनका समाधान खोजना रहता है। इस बुद्धि का विकास पुस्तकीय ज्ञान से अधिक होता है। इस प्रकार की बुद्धि में शब्दों, अंकों एवं प्रतीकों का विशेष महत्व होता है। यह अमूर्त बुद्धि है जो बालकों में ज्ञानोपार्जन के प्रति समझ उत्पन्न करती है। यह बुद्धि व्यक्ति में दार्शनिक विचारों एवं चिंतन की प्रक्रिया को जान करती है। यानी कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो दार्शनिक होते हैं, डॉक्टर, वकील, कवि, जो चित्रकार आदि होते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति शिक्षक, डॉक्टर, वकील, दार्शनिक, कवि, चित्रकार, कलाकार आदि होते हैं। मतलब कि उनमें सृजनात्मक शैली जो होती है, सृजनात्मकता या रचनात्मकता वह होती है। वह जैसे कलाकार होते हैं,
वो किसी भी चीज़ को बहुत ही रचनात्मक तरीके से करते हैं। दार्शनिक बहुत अमूर्त रूप से, उनकी अमूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त रूप से सोचते विचारते हैं, ठीक है। उनका अपना एक दर्शन होता है, उस हिसाब से वो उनकी बुद्धि काम करती है, वो उस हिसाब से अपना कार्य करते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। अब बुद्धि को मापने या बुद्धिलब्धि की विधि को देखते हैं। बुद्धिलब्धि भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, इसको इसमें शॉर्ट में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि का आविष्कार करना टर्मेन की सबसे महत्वपूर्ण देन है। अब टर्मेन का इसीलिए परिभाषा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि मैंने आगे आपको बताया कि आप टर्मेन, स्टर्न और मैकडूगल का परिभाषा याद रखेंगे, उसमें टर्मेन का खासकर आप याद रखें, क्योंकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि का आविष्कार टर्मेन का ही देन है, ठीक है। तो इसीलिए इनका इम्पॉर्टेंट हो जाता है परिभाषा, या कोई भी चीज़ इनसे जुड़ी हुई चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बुद्धिलब्धि के आविष्कारक हैं। बुद्धिलब्धि क्या है, बालक की शारीरिक व मानसिक आयु क्या है, दोनों का अनुपातिक स्वरूप ही बुद्धिलब्धि है, ठीक है। बालक का जो शारीरिक व मानसिक आयु होता है, दोनों का अनुपातिक स्वरूप ही बुद्धिलब्धि कहलाता है, बुद्धिलब्धि होती है। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने के लिए मानसिक आयु में शारीरिक आयु से भाग देते हैं, यानी कि जो बालक की मानसिक आयु होती है उसमें उसकी शारीरिक आयु जो होता है उससे भाग देते हैं, एवं दशमलव की परेशानी से बचने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं उसमें, और हमारा बुद्धिलब्धि निकल जाता है। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र नहीं सूत्र होगा, इस प्रकार है। यहाँ पे आप बुद्धिलब्धि का सूत्र देख सकते हैं, IQ जो हमारा बुद्धिलब्धि है उसके बराबर क्या होता है, MA/CA, यानी कि मानसिक आयु बट्टा हमारा जो वास्तविक आयु है उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। ये क्या है, ये बुद्धिलब्धि का सूत्र है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप नोट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसे भी लिख लेंगे। ये पूछे गए थे पिछले बारी, इस बार भी पूछने के चांसेस है, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसका सूत्र हमेशा पूछा जाता है, और इसके आविष्कारक कौन है वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। IQ बराबर बुद्धिलब्धि होता है, जैसा कि मैंने बताया बुद्धिलब्धि को हम IQ से डिनोट करते हैं। MA मानसिक आयु होता है तथा CA वास्तविक आयु होता है। जैसे किसी बालक की वास्तविक आयु 4 वर्ष है तथा मानसिक आयु 6 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी, अब ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपका होमवर्क हो गया कल का, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में सबके जवाब आने चाहिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, और तब जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।